हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। मैं यूट्यूब में एक बहुत ही फेमस गेम खेलूंगा जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो चलो यार, माइनक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलो, माइनक्राफ्ट में यार हमको ना एक वर्ल्ड में भेजा जाता है जिसमें हमें सर्वाइव करना पड़ता है। यार रात होने से पहले हमको वहाँ अपने के लिए घर बनाना पड़ता है, वरना ज़ॉम्बीज हमको मार देंगे देखते ही। फिर यार आपकी मर्जी रहती है कि वो आपको गेम को कैसे खेलना है। यार बहुत लोग तो वहाँ खेती करते हैं, कोई अपने के लिए बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, और यार मेरा फेवरेट तो मैं तो जब भी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ एडवेंचर पर ही जाता हूँ। पर यार माइनक्राफ्ट तो सभी ऐसे ही खेल लेते हैं, पर इस बार जो माइनक्राफ्ट खेलने जा रहा हूँ ना, मैं एक स्टोरी टाइप में खेलने जा रहा हूँ। और यार मेरी स्टोरी का जो टाइटल है वो है माइनक्राफ्ट द लॉस्ट ट्रेजर वर्ल्ड। तो आओ यार शुरू करते हैं। इस कहानी में यार मेरे दादाजी लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे, और उनके पास अपना एक खुद का कासल भी था, और वो हर गरीबों की मदद भी करते थे। दादाजी लोगों के पास कासल होने से कुछ लोग उनसे चिढ़ने भी लगे, और उन्होंने खुद के लिए भी एक कासल बनाने की सोची। उन्होंने कासल बना तो लिया, पर यार उतना बड़ा नहीं बना सके जितना कि हमारे दादाजी उनके पास था। इस वजह से यार वो लोग बहुत ही चिढ़ गए, और उन्होंने हमारे कासल को तबाह करने की उन्होंने यार माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े विलेन एंडर ड्रैगन से समझौता किया कि अगर वो हमारे कासल को तबाह कर देगा तो वो उनको एक ऐसी चीज देंगे जिससे कि उसका कुछ भी डैमेज पड़े तो वो डैमेज तुरंत ही भर जाए। और यार एंडर ड्रैगन भी राजी हो गया। उसने हमारे गाँव पर हमला कर दिया और गाँव के करोड़ों लोगों को मार डाला। इस लड़ाई में यार एंडर ड्रैगन को भी बहुत डैमेज हुआ, और वो कुछ सालों के लिए अपने वर्ल्ड में दोबारा से लौट गया। अब एंडर ड्रैगन के पास उसका अपना एक हेल्थ जनरेटर था, जिससे कि वो एक साल के अंदर ही दोबारा से उतना ही ताकतवर हो जाता था। जब गांव वालों को पता चला कि यार एंडर ड्रैगन को पावर जनरेटर किसी उन्हीं के गांव वालों ने दिया है, तो उन्होंने सोचा कि उनको मार देना चाहिए। इसलिए वो उन गांव वालों को ढूंढते ढूंढते उनको मारने पहुंच गए। अब वो एंडर ड्रैगन के दोस्त बन चुके थे, इसलिए एंडर ड्रैगन ने उन्हें एक ऐसी ताकत थी जिससे कि वो टेलीपोर्ट हो सकते थे, और अब एंडर ड्रैगन ने उन्हें एंडर मैन बना दिया था। अब लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, इसलिए गांव वालों ने गॉड ऑफ द माइनक्राफ्ट को बुलाया और अपने गांव के चारों तरफ बेडरॉक की दीवार लगाने की गुजारिश की, जिसे खुद एंडर ड्रैगन भी नहीं तोड़ सकता था। अब जमीन में चलने वाली मॉब से तो कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बेडरॉक की दीवार तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी, पर ड्रैगन उड़ सकता था, उससे बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि एंडर ड्रैगन अकेला ही पूरे गांव को खत्म कर सकता था। एंडर ड्रैगन को हराना यार बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास पावर जनरेटर था कि जो उसको डैमेज देते ही उसको तुरंत पावर रिकवरी कर देता था। पर एक तरीका था एंडर ड्रैगन को रोकने का। एंडर ड्रैगन को यार विच के एक जादुई पोर्शन से ना उसको उसी के वर्ल्ड में लॉक किया जा सकता था। और ये बात मेरे पेरेंट्स को पता थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार एंडर ड्रैगन अगर इस गांव में आ गया तो वो पूरा गांव ही खत्म कर देगा, इसलिए उन्होंने ये रिस्क उठाया। पर बेडरॉक की दीवार को पार करना कोई मामूली काम नहीं था, और गांव वाले भी किसी को दीवार के पार नहीं जाने देते थे, क्योंकि पहले भी किसी और गांव वाले ने उन्हें धोखा दिया, और जो भी गांव के बाहर जाने की कोशिश करता था उसे जान से मार दिया जाता था। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने अपने ही घर के नीचे एक सुरंग बनाना शुरू किया जो रास्ता बेडरॉक की दीवार के पार जाता था। अब वो यार गांव से बाहर तो निकल गए, पर बिना विच की मदद के वो एंडर ड्रैगन को उसके वर्ल्ड में लॉक नहीं कर सकते थे, क्योंकि यार विच के पास एक ऐसा पोर्शन था जो कि एंडर ड्रैगन को उसके वर्ल्ड में ही लॉक कर सकता था। इसीलिए वो विच से मिलने गए और विच को सारी बातें बताई, पर विच ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि विच की बेटी बहुत बीमार थी, और जिस पोषण को वो मांग रहे थे उसी पोषण से वो विच की बेटी ठीक हो सकती थी, और वो उसके पास एक ही पोषण था। पर यहाँ पूरे गांव की जान दांव पर लगी थी, इसलिए उन्होंने वो पोषण विच से चुरा लिया, और वो एंडर ड्रैगन से लड़ने चल दिए। बहुत देर तक एंडर ड्रैगन और उनकी लड़ाई चलती रही, पर एंडर ड्रैगन तो हार ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास पावर जनरेटर था, इसलिए वो जैसे ही उसको डैमेज पड़ता पावर जनरेटर फिर से उसको पावर रिकवरी कर देते थे। उन्होंने विच के पोशन की मदद से एंडर ड्रैगन को तो उसके वर्ल्ड में लॉक कर दिया, पर वो खुद भी वहां लॉक हो गए, और एंडर ड्रैगन ने उन्हें मार दिया। अब एंडर ड्रैगन का तो खतरा टल चुका था, पर पोषण के चोरी होने से जो विच की बेटी की मौत हो गई, इसलिए विच को बहुत ही गुस्सा आ गया, और उसने पूरे गांव पर हमला कर दिया अपनी बड़ी सेना के साथ। पर बेडरॉक की दीवार पार करना नामुमकिन था, इसलिए वो सीढ़ी से दीवार में चढ़ने लगे। हमला कर देते तो गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचता, इसलिए गांव वालों ने दीवारों के ऊपर से लावा फेंकना शुरू कर दिया। पर अब विच को भी हार माननी पड़ी, पर विच ने इतना कह दिया कि अगर मुझे कोई भी इंसान दिखता है तो मैं उसको देखते ही मार दूंगा। और विच बड़ी तेज तेज हंस के बोली कि जो मेरा पोषण है वो सिर्फ 100 साल के लिए ही काम करता है, 100 सालों बाद एंडर ड्रैगन वापस आकर तुम्हें खत्म कर देगा। तो यार 100 साल के पूरे होने में सिर्फ 1 साल रह गया, और 1 साल के अंदर अंदर यार किसी ना किसी को तो एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यार गांव वाले तो कोई भी कुछ ये रिस्क उठाने चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा। पर एंडर ड्रैगन को मारना कोई आसान काम तो है नहीं, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, अकेला मैं एंडर ड्रैगन को मार नहीं सकता हूँ, तो मुझे यार बहुत सारी ज़रूरतें हैं जादुई चीज़ों की, तो वो मेरे को यार इकट्ठा करनी पड़ेंगे माइनिंग करने से। यार तो मुझे अपने गांव के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या क्या छुपा रखा है, क्योंकि यार यही वो जहां मेरे पूर्वजों ने बहुत सारा ट्रेजर छुपाया हुआ है।
तो चलो यार मैं अपने घर से माइनिंग करने का सामान ले आता हूँ, क्योंकि यार बिना हाथ से तो मैं कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकता हूँ। तो और तुम्हें जो घर दिख रहा है वो मेरा छोटा सा घर है, वो मेरा असलियत में घर नहीं है यार। ऐसा हुआ कि मैं एक बार दीवार के ऊपर चढ़ रहा था तो यार गाँव वालों ने देख लिया और गाँव वालों ने फिर मुझे मेरे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं बार बार ऐसी हरकतें करते रहता, इसलिए फिर मेरे घर वाले भी मेरे से परेशान हो गए और उन्होंने कहा अब यहाँ मत आना करके। इसलिए मैंने अपने कोने में एक घर बना लिया है, इतने सारे पेड़ इसलिए लगाए ताकि मैं इसके अंदर जो भी करूँ तो किसी को पता ना चले। ये देखो ये मेरे घर में आते रहते हैं कुछ चेकिंग करने, देखो अभी दो आ गए हैं। चलो भाई ठीक है चलो भाओ यहाँ से। तो ये दो आ गए हैं, बार बार आ जाते हैं चेकिंग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। यार उनको बड़ा समझाना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं माइनिंग करने जाऊँगा और माइनिंग तो कोई भी कर सकता है, माइनिंग में कोई रोक टोक नहीं है। चलो छोड़ो यार हम अपने माइनिंग के काम में चलते हैं। अरे भाई क्या है यार मेरे घर में मुझे चैन से नहीं रहने देगा क्या यार? चल छोड़ो यार अपने काम में चलते हैं, इनका तो ये ड्रामा चलते रहता है मेरे घर में यार, मेरी झाके करते हैं यार ये लोग। चलो जाने दो यार, हम लोग अपने लिए कोई गुफा ढूंढते ताकि नई नई चीज़ें हम माइनिंग कर सकें, कोई नई नई चीज़ें इकट्ठा कर सकें, क्योंकि यार एंडर ड्रैगन है वो, एंडर ड्रैगन ने पहले भी बहुत लोगों को मार रखा है और मैं अकेला ही हूँ मैं उसको मारने वाला, साथ में कोई भी नहीं है। अब तो गॉड ऑफ द माइनक्राफ्ट भी यार चले गए हैं, क्योंकि ये गाँव वाले बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, अपने बारे में सोचते हैं यार, कुछ मदद भी नहीं करते हैं। और जो भी सोचता है कि एंडर ड्रैगन को मारा जाएगा, ये लोग सोच लेते हैं कि वो उसका दोस्त है और उसको मार देते हैं। एक भी मेरे पहले दोस्त को ही मार गया यार, उसने मेरा साथ दिया था, पर अब मैं अकेला ही बचाऊँ यार। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रुपया भी नहीं है कि मैं इनसे कुछ ट्रेड भी कर सकूं। पर यार मेरे को एक बात पता है, मेरे दादाजी ने मेरे घर के नीचे ना बहुत सारा खजाना छुपा के रखा है, पर यार मैं उस खजाने को ढूंढूं कैसे? मैं रोज़ गुफा में जाता हूँ, गुफा में देखता हूँ कहाँ से कहाँ रास्ता है, पर मेरे घर के नीचे है वो, इसलिए मुझे अपने घर के नीचे ही जाना पड़ेगा। पर मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यार मैं पहले वहीं रहता था और मुझे वहाँ से निकाल दिया। चलो यार थोड़ा सा कोल माइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि कोल चाहिए होता है कुछ भी चीज़ें पकाने वगाने के लिए, तो जल्दी से कोल थोड़ा माइनिंग कर लेता हूँ मैं। चलो यहाँ पर तो सब खत्म हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। अरे ये बगल में भी है क्या? एक इसको तोड़ के देखता हूँ, जाओ यहाँ पर लग रहा है मुझे कुछ तो हुआ। चल्ली चल्ली आगे कुछ गुफा टाइप की है, दिख तो रही है, टॉर्च लगाता हूँ उसमें। है हाँ आगे कुछ गुफा है यार, कोई गुफा मिल जाए जो मेरे घर तक जाती हो ना बहुत मज़ा आ जाएगा। चलो थोड़ा कोल मिल गया, थोड़ा कोल और ले लेता हूँ मैं। और ये गुफा मुझे लग रहा है दोबारा से घूम के बाहर जा रही है, तो ये इस गुफा से भी काम नहीं बनेगा। तो अब यार जल्दी जल्दी मैं कोल इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर चलते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी फिर यार, रात को भी जॉम्बीज आ जाएंगे मारने के लिए, फिर मैं यहाँ रहना भी मेरा मुश्किल हो जाएगा। पर अभी टॉर्च लगा रखे हैं, अभी टॉर्च से तो नहीं आएंगे जॉम्बीज, उजाले की जगह पर कम आते हैं ना वो लोग। तो यार मैं ज़्यादा से टॉर्च को ले जा रही हूँ, टॉर्च भी ले जाता हूँ यार अपनी, टॉर्च में बड़ी मुश्किल से कमा रखी है मैंने हर चीज़ बनाने के लिए यार, इतनी मेहनत लगती है ना माइनक्राफ्ट में यार, बहुत ही क्या बताऊँ बहुत दिक्कत है यार। चलो मैं अपनी टॉर्च ले जाता हूँ, थोड़ी बहुत रहने देता है यार अचानक से जॉम्बीज ना आ जाए। अरे चलो वाली ले जाता हूँ और ये वाली भी ले जाता हूँ, उसको रहने देता हूँ। और मैं अभी जल्दी से अपने रास्ता बनाता हूँ ऊपर चढ़ने का। ये क्या है, एक और गुफा? चलो एक और देखते हैं अंदर क्या है इसमें। अरे ख़त्म कहानी है इस गुफा की यार, टॉर्च ले जाओ अपनी। चलो जल्दी से यार रात हो जाएगी, उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा। चलो घर चलते हैं वरना रात को जॉम्बीज मार देंगे मुझे। अरे रात तो हो ही रही है, जल्दी चलता हूँ यार, क्या पता नहीं मिले रास्ते में, पर मिलना तो ज़रूरी है उनका। तो मैं कोबल स्टोन से अपने लिए सीढ़ी बना लेता हूँ, एक डालता हूँ यहाँ पे, एक डालता हूँ। अरे भाई किसने मारा मुझे? एक क्या क्या है ऊपर, कुछ था क्या? देखता हूँ ओ मकड़ी 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 भागो, मकड़ी मार दी मुझे। मैं आज ऐसा करता हूँ याद यहीं काटता हूँ मैं यार, बहुत मतलब मुझे जीना है तो यहाँ रहना पड़ेगा। पूरी रात में खड़े खड़े यार, अरे ये सामने सुबह हो गई है मकड़ी तब भी नहीं गई है, ये मकड़ी मुझे शायद मारने ही आएगी। मैं आगे जाके देखता हूँ थोड़ा सा। आ जा इसको मार दूंगा, आ जा मेरे पास मत आना, बहुत मारूंगा बहुत। मर गई। चलो मैं बाहर चलता हूँ, सुबह भी हो गई है, जॉम्बी भी चले गए होंगे सब। और मैं जल्दी से अपने घर में जाता हूँ यार, वरना मेरा जो सामान है वो मैं मार देंगे, वो सामान सब गायब हो जाएगा। मैं तो दोबारा से रिस्पॉन हो जाऊंगा इस वर्ड में, पर सामान गायब कर देंगे ये लोग। तो जल्दी से अपने घर में सामान वामान रख के आता हूँ, जल्दी चलो यार जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, सामान तो रखना है जल्दी से। वैसे सुबह हो गई, खतरा कुछ नहीं है, जो हम भी चल जाएंगे सूरज की रोशनी से। तो मैं जल्दी से अपना सामान रख के आता हूँ और फिर आज सुबह या थोड़ा सा आराम करने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे एक साल के अंदर और एक साल लग जाएगा पूरा मुझे सामान इकट्ठा करने में, तो एंडर ड्रैगन को कम मारूंगा।
और एंड्रा ड्रैगन अगर यहाँ आ गया तो फिर कोई छक्का बचना ना मुमकिन है, वो मरेगा तो उसके वर्ल्ड में ही मरेगा, क्योंकि अगर उसके वर्ल्ड में वही चीज़ होगी ना जो जो उसको वहाँ से रिकवरी कर देती है पावर और जनरेट कर देती है, अगर मैंने सोलह सूत्र अगर मैं उसी को तोड़ दूँ तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी वो, फिर मैं उसको आराम से मार सकता हूँ। अब जल्दी से मैं यार चल दूसरी गुफा को ढूंढने चलता हूँ, क्या बताया उसमें मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिससे मैं इससे भी अच्छे अपने वो बना सकता हूँ हथियार। तो चलते हैं बाहर को, आज चलो कोई नहीं है मेरे बाहर के देखने वाला, कभी कभी तो ये बहुत परेशान कर देते हैं यार, मेरे घर में घुस जाते हैं बिना पूछे, और अभी देखना मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ना वो मेरे घर में पहुँचे होंगे मेरे सामान वामान देखने के लिए। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, उनकी टेंशन छोड़ते हैं, अभी हमें टेंशन है अपने गांव की और मुझे खुद की यार, मुझे भी तो मार देंगे अगर मैंने एंडर ड्रैगन को नहीं मारा तो। तो जल्दी से मैं चलता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो कहाँ पे थी वो गुफा, अच्छा हाँ दीवार के पीछे से जाता हूँ ना, दीवार की से चिपकी थी वो, तो यहाँ पे से शायद मिल जाए, अच्छा उस तरफ को थी ना, हाँ उस तरफ को थी, तो वहाँ पर थी एक गुफा, वहाँ पर देखता हूँ। ये है देखो मेरे सामने जो घर था बगल में, वो जो बड़ा बड़ा दिख रहा था आपको, वो है मेरा घर, वहाँ मतलब पहले मैं रहता था, वहाँ से निकाल दिया मुझे, कोई नहीं मुझे यहाँ रहना भी नहीं है इस चार दीवार के अंदर, मुझे रहना है बाहर दुनिया में। अरे यहाँ गांव वाले क्या कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है ये गांव वाले यहाँ क्यों क्या क्या कर, ओ इसके लिए मुझे मार देगा, मुझे मार रहा है, मुझे अपना वो लगाना चाहिए, सील लगाना चाहिए कम लगी यहाँ। अरे गाँव वालों को क्यों मार रहा है, मतलब इन गाँव वालों ने मेरे लिए यहाँ पर जाल बिछाया था, चलो कोई नहीं मैंने इनका जाल वो कर दिया, अब मैं जल्दी से अपने के जो जिस काम के लिए आया हूँ करता हूँ। अब जल्दी से मैं यार अंदर देखता हूँ कि इस गुफा में क्या छुपा हुआ है, तो अंदर चलते हैं। अरे टॉर्च पहले से लगी है, मतलब गाँव वाले यहाँ आ चुके हैं, अच्छा तो यहाँ आयरन है, आयरन का ओर, इस आयरन की ओर को मैं फर्नेस में डाल के आयरन बनाऊंगा और उससे बहुत तगड़े हथियार बनते हैं लोहे से। तो गाँव वाले मैं कहूँ यहाँ पर क्यों हैं, अच्छा इस वजह से, तो यार जल्दी जल्दी मैं इनको ले लेता हूँ और फिर चलते हैं जल्दी से, मैं सबको ले लेता हूँ जितने, वरना गांव वाले ले लेंगे यार, मेरे बच्चे मेरे पास कोई बचेगा नहीं, और सबसे ज़्यादा मुझे जरूरत है इन्हीं को बचाने के लिए, तो मैं काम कर रहा हूँ इन्हीं को और अपने को दोनों को। ठीक है टॉर्च भी ले लेता हूँ, इनकी टॉर्च मेरे काम आ जाएंगी, ये वाली एक और जी हाँ ये वाली एक ये वाली, चलो हार सकते वरना जॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे अंधेरे में। चलो अब हम चलते हैं बाहर, सामान रख के आता हूँ और फर्नेस में पका के आता हूँ, जल्दी चलता हूँ उसमें से यार। आयरन की ओर में ऐसे आयरन नहीं होता है, बहुत सारा पत्थर भी होता है, इसलिए आपने देखा होगा यार कि आयरन प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है कहीं भी। तो अब जल्दी से मैं चल, और आज मैं आपको यार अपने जो मेरा पुराना वाला घर था उसके वहाँ एक ऐसा पेड़ है ना, मतलब वहाँ ये गाँव वालों की मान्यता है कि यार वहाँ ओडिन लटके थे, ओडिन मतलब जो हमारे गॉड ऑफ द माइनक्राफ्ट हैं उनसे सबसे बड़े गॉड। ठीक है तो मैं आज को वहाँ को ले जाऊँगा, उससे पहले मैं यार अपने घर में ले सामान रख के आता हूँ। ये मेरे देना मेरे घर की चारों तरफ ये लोग ना निगरानी रखे रखते हैं, जिनक अंदर से कोई ना कोई निकलेगा, अभी जरा दरवाज़ा खोलता हूँ, कोई ना कोई निकलेगा, जब पक्का निकलेगा देना। ये देखा ये मेरी जासूसी मत करा कर बता रहा हूँ तुझे, बहुत मारूंगा किसी दिन। तो यार जल्दी से मैं ना अपना सामान रख लेता हूँ और भी चलते हैं उधर को, तो ये वहाँ रखना है, थोड़ा सा खाना वाना भी खा लेते हैं यार, भूख लगी है बहुत। मैं देख लेता हूँ इंगट के उसमें, अच्छा आयरन पकाना है, कोल चाहिए, कोल उसमें कोल डाल देते हैं, फिर फर्नेस में आग लग जाएगी और ये पकने लग जाएगा। ठीक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है आयरन, एक बन के दिखाता हूँ, बाकी अपने आप पकते रहते हैं। ये देखो ये आयरन इंगट बन गया, इन ये आयरन का मतलब बहुत ही मजबूत होता है, अभी तक में जितने भी हथियार है सबसे मजबूत है, तो ये मेरे बहुत ही काम आने वाला है। चलो भी चलते हैं यार अपना, वो दिखाता हूँ तुम्हें पेड़, वो कौन सा पेड़ है, और अगर मेरे अब गांव वालों ने यार, तू फिर से आ रहे हैं यहाँ को, भाग यहाँ से। अब चल जल्दी से चलते हैं अपने पेड़ के पास, मुझे यार उस पेड़ में कुछ लगता है, वहाँ पर लिखा है पता है, जो वहाँ उस पेड़ को काटेगा या फिर उस पेड़ के आसपास जाएगा वो नरक में जाएगा, ऐसा तो मैं कहीं मानता नहीं हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। और ये जो गड्ढा बन रखा है आप देख रहे हैं, ये गड्ढा यार ये पूरे गांव के जो घर हैं इन्हीं कोबल स्टोन से बन रखे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और अब भरने का नाम नहीं है, कोई मेहनत करता नहीं है, सब लोग बस अपना खा पी रहे हैं, मगन रहे हैं, तो अब मैं भी नहीं भरूँगा, अब इन्हें अपने आप रहता है। तो जल्दी से हम वहाँ चलते हैं, जल्दी मैं तुम्हें गांव से होकर ले जाऊंगा यार, अपने गांव का थोड़ा नज़ारा भी दिखा दूंगा, अपने गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो चलते हैं अपने गांव की तरफ से, ये देखो
ये अपना, ये देखो एक नारा है यहाँ पे भाई। ओए मजे कर रहा है भाई, कैसा है, मजे आ रहे हैं? चल ना यार ना, चल मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है एक, उसको बताता नहीं वरना ये बता देगा, बात चला देगा यार। बहुत चालू है ना हमारे गाँव के, एक एक चालू है यार, एक से एक अपने बाज हैं, बहुत जल्दी फंसा देते हैं। तो उनसे दरवाजा कहाँ पे था, जाने का जाने का, आगे वो सुअर खड़ा है जहाँ पे, तो बेटे सुअर ने दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा दरवाज़ा खुला होगा, चलो चलो हम चलते हैं, बंद कर देते हैं ताकि अंदर ना सके। और ये देखो ये है भाई मेरा घर था, मतलब ठीक है। और इतने सारे इनके पास जानवर है ना, वो देखो इनमें इतने सारे जानवर पाल रहे, ताकि अकाल पड़े तो ये कभी वो ना हो। और ये देखो भाई मेरा घर है यार, ये लोग मजा मौज करते हैं और मैं वहाँ भिखारी की तरह जी रहा हूँ, पर कोई नहीं अपना टाइम आएगा। ये देखो खिड़की से देखना यार, अंदर उनके बहुत मौज है, यानी पार्टी वार्टी चलती है अंदर, खाना पीना खूब दबा कर खाते हैं। चलो ये है भाई वो पेड़, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इस ट्री के पास जो जाएगा वो नरक में जाएगा, जो काटेगा उसे नरक में जाएगा। और यहाँ पे लिखा है ट्री के साथ छेड़खानी करने वाला पूरे गांव के हत्या मार खाएगा। और यहाँ ओडिन लटके थे यार, मुझे नहीं लगता इस पेड़ में कभी ओडिन लटके होंगे, क्योंकि हमारे इसमें बोला जाता है कि ओडिन बहुत ही बड़े होते थे, और ये तो छोटा सा नुबड़ा सा पेड़ है, वैसे मैं भी नुबड़ा ही हूँ। चलो देखते हैं यार आसपास इसके कहीं कुछ सुराग तो ना, सुराग मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पर दूर से रहना है, क्योंकि यार मुझे ये लोग देख रहे हैं, खिड़की से देख रहा है, चलना चाहिए से भाग लेना चाहिए से। चलिए 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 चलता हूँ यहाँ से, कैसे चलूँ भाई, मैं नहीं गिर जाऊँगा कहीं। ओ भाई ये क्या मिला मुझे, ये बो और तीर और हड्डियाँ, चलो ये काम आएंगी, मैं एक बार ट्राई मारता हूँ किसी जानवर पर। वो सामने गाय देख लो, उसमें 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 बगल में, हाँ उसको मैं मारूँगा। अरे तीर वेस्ट हो गया, चलो कोई ले लेते हैं अपना दोबारा से तीर, जल्दी जल्दी। हाँ मैं इस सुअर को मारता हूँ, इस सुअर को तो मैं पक्का मार के रहूँगा, देखना हेड शॉट पड़ेगा भाई तेरा, ये देख तू जिंदा नहीं है, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा। ए ए जा भाड़े, पड़ गई शॉट, उसको शॉट पड़ी अभी, पर उसमें हेड में नहीं पड़ी, अगर हेड में पड़ता तो तुरंत मरता, एक बार याला शॉट में हेड में मारूंगा उसके, हेड में मारूंगा। और ये पड़ी हेड में और उसको हो गया नॉक, नॉक नहीं वो सीधे मर ही गया है, उसका सामान मेरे पास आ गया है। चलो बहुत ही बढ़िया, अब मैं अपना ये रख के आता, तीर नहीं है मेरे पास, तो जल्दी चलते हैं अपना सामान रख के आते हैं घर में। और यार ये एंडर ड्रैगन को मारने की जर्नी बहुत जल्दी मेरी पूरी होने वाली है। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक करना है और शेयर करना, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि यार मेरी अगली जो वीडियो आने वाली है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आप उसमें। तो यार चलते हैं, अब देखना वहाँ पक्का ना कोई साजिश बना रहा होगा, कह रहा होगा तो मेरा घर पर चेकिंग चल रही होगी, अब मैं देखता हूँ बेटा, मारूंगा तो ये तो बहुत मारूंगा, एक दिन दिख रहा है तो मुझे, चलो इनको इनको इनसे बाद में निपटेंगे, पहले यार मैं अपना सामान वहाँ देख लेता हूँ, ये सामान रख लेता हूँ जल्दी से जल्दी से। और यहाँ मैंने, अरे वो कहाँ बाहर का जा रहा हूँ मैं, और मैंने वो पकाने के रखा था, देखते हैं वो हो गया नहीं। अच्छा 11-12 बन गए हैं, 12 बन गए हैं, इनको रख लेते हैं और इनको पकने देते हैं, ठीक है। और रात टाइप की भी हो रही है यार, से पहले मैं खाना ना खाता हूँ और एक बार बाहर देख के आता हूँ, जॉम्बी जॉम्बीज तो नहीं आ गए करके, तो अरे खाना भी तो खाना था, खाना खा लेते हैं, इसे भूख तो बहुत लगी है। अरे मैंने बेड क्यों तोड़ दिया, चलो बेड लगा लेते हैं जल्दी से और खाना खा लेते हैं। ओ जल्दी जल्दी, बहुत भूख लगी है बहुत, चलो खाना रख लेते हैं और एक बार बाहर देख के आते हैं क्या हाल चाल चल रहा है। ओ भाई वो देखो जॉम्बीज मेरे घर के बाहर ही है, तो यार मैं सो जाता हूँ वरना घपला हो जाएगा। अरे मेरे पास अभी कवच है ना, बिना कवच से कैसे सो जाऊँगा मैं, कवच मतलब ये रखना पड़ेगा मुझे, सील रखनी पड़ेगी अपने हाथ में से, सील को निकालो और इसमें रख दो, ठीक है अब मैं सो जाता हूँ।